गम भावरा पड़ता है। कैसे मालूम चला इनके बारे में? हम लोगों को बाबू जी के बारे में मालूम ऐसे चला, कोई आदमी हमारे गांव से मतलब कराया है एक बार, वो हमको बताए, वो बोले कि झिमुरदा में रहते हैं, तो हमारे यहाँ हमारा भी घर है। अच्छा, यहाँ मेढोली में हमारे बड़े भाई साहब जो गला के, वो बोले कि हम मामा उनके पास तो गए थे, लेकिन ये था कि हम जब गए थे तो वो बता रहे थे कि हम अगले वर्ष में रिटायर हो जाएंगे, तो नेहरू नगर में हमने जमीन लिया है तो हम घर वहीं बनाएंगे। तो पता चल रहा है कि वो वहाँ से चले आए, तो ऐसे करके कल हम आपके पास पहुँचे। अब मतलब दिक्कत क्या है? दिक्कत हमारे मतलब कि कैसे, मतलब कुछ बताएंगे, जैसे कि दर्द हो रहा है या पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है? अच्छा, पूरा मतलब सर में बहुत पेन, सर में दर्द, ऐसे डगमग डगमग लगने लगता है, मतलब कि शरीर का कांपने लगता है, शरीर कांपता है एकदम 24 घंटे। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं? बैठन में मालिक कराए हैं, बिंद नगर में कराए हैं, जबलपुर एम आई कराए हैं, जबलपुर में एम आई कराए हैं, जबलपुर में एम आर आई भी करवा चुके हैं। तो वहाँ क्या बोला था डॉक्टर, कुछ आइडिया देंगे? वहाँ डॉक्टर कुछ नहीं बताया कि तुमको प्रॉब्लम कोई नहीं है। जब दिक्कत बताया तो बोला प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक। अभी जो आपका इलाज हुआ कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से बेहतर लग रहा है ना? चलिए ठीक। अच्छा, अभी दर्द चंगा लग रहा है ना? चलिए ठीक। मतलब जो इतना जल्दी रिलीफ होना भी एक मतलब बड़ी बात है, नहीं होगा, सही बात। चलिए ठीक। यूट्यूब के दर्शकों, मेरे चहेते भाई, आप लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और नमस्ते। मैं एक रोगी के साथ आज फिर आपके सामने साक्षात्कार किया। यह रोगी को बहुत पहले लोड लगा और लोड लगने के कारण इसका बैकबोन पूरा फ्रिक्सेट हो गया, गला का पार्ट फ्रिक्सेट हो गया, चेहरा में विकृति आ गई, जिसके कारण वह दोनों नाक से बराबर हवा नहीं ले पा रहा। इसके कारण उसका ब्लड का प्रेशर मतलब हार्ट पूरा दबता और खुलता पूरा नहीं था, जिसके चलते उसके पूरे बदन में अकड़न आ गई। यह बहुत जगह घूमा, अपनी बयान में ही इसने बताया कि मैं बहुत जगह गया और देखा, दिखाया, दवा खाया, MRI कराया, लेकिन मुझे कुछ भी एक नया पैसे का रिस्पांस नहीं मिला। मैंने MRI कराने के बाद डॉक्टर से पूछा कि भाई मुझे ये तकलीफ़ क्यों है, तो उसने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, जबकि मुझे तकलीफ़ है। और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे यहाँ आया तो मैंने बताया इसको पहले कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया था, बैक में जाने के कारण तुम्हारा बोन आगे फ्रिक्सेट कर गया, भीतर चला गया। तो बोला कि इतना तो आप पहले ही बता दिए। उसके बाद में हमने पूरा नाप के उसको दिखाया तो सब अंग उसका जहाँ तहाँ गड़बड़ था, लंग्स का पार्ट में पूरा एयर नहीं जा रहा था, पॉकेट उसका खाली हो जा रहा था, एक तरफ भर जा रहा था, इसके चलते उसका प्रेशर गड़बड़ था। तो जब नाप लिया, नापने के बाद में मैंने फिर उसका काम किया, और काम जब किया तो कर लेने के बाद फिर नाप के उसको दिखाया कि जीरो पर आ गया। मैंने पूछा कि भाई तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, मेरी फ़ायदे के बारे में बताओ, मैंने इतना देरी मेहनत किया, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो परिश्रम किया तो कुछ तो फल मिलेगा। तो उसने कहा कि गले से नीचे सब भाग हमारा हल्का हो गया, लेकिन गले के ऊपर अभी भी भारी है। हमने कहा कि देखो भाई, ब्रेन पर जो एयर जाता है या ब्लड जाता है उसको आने में टाइम लगेगा, चूँकि उसका रास्ता रुंध गया था। फिर पानी वानी पिलाया और सब उसकी सारी क्रियाओं को चेक किया, फ़ायदा हुआ, ये बात 100% बताया, फ़ायदा हुआ। और फ़ायदा होने के बाद मैंने बताया कि देखो भाई, तुमको
चार से पांच बार आना पड़ेगा मेरे यहाँ, ये पहला बार है। तो बोला ठीक है आएंगे, और उस रोगी को विदा किया। वो माड़ा के पास का कहीं का रहने वाला, वो जिसने अपना पूरा एड्रेस दिया, अपना नाम दिया। तो इस रोगी के बारे में आप लोग कमेंट देंगे, कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये उपचार कैसा लगा। मेरा एक यूनिक प्रोसेस है, मेरा कहना ही अलग है, इसलिए आप सबों को मेरा धन्यवाद, मेरा प्रणाम। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ एक मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा, जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।